मैं और दीसा बेटू आ गए हैं कहाँ, तो फिश लेने जा रहे हैं। तो काम तो कर रहा है, बदमाशी करता है शिवान, बदमाशी करता है। हाँ, और दीदी कहाँ है? दीसा दीदी, नेहा दीदी कहाँ है बेटा? ये है नीचे में, यहाँ का बस। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे दोस्तों। और 100 ब्लॉग का आज टोटल हो गया 70 दिन, 2 महीने और 10 दिन हो गए हैं दोस्तों। अभी वाइफ जी साथ में बैठी हैं और अभी तो तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है उनका, लेकिन फिर वह जो हाथ है ना, राइट हैंड, वो उसमें दिक्कत हो रहा है। मतलब वो ऐसे करके पंजा नहीं अभी कर पा रही हैं। और ये रही वाइफ जी, यहाँ पर नाश्ता वास्ता, नाश्ता क्यों नहीं किया पूरा? नाश्ता भी नहीं किया हो, चाय भी पूरा नहीं पियो, क्यों? हाँ, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो आज करीबन दो दिन बाद आज क्या है ना, वो हाथ तो चल ही नहीं रहा था, तो उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो ब्रश वगैरह तो कर लेते हैं दूसरे हैंड से, लेकिन आज पानी को गर्म वरम करके, गीजर में गर्म करके ना नहाए तो भी उनको अच्छा लग रहा है। तो 2 दिन हो गया था नहीं नहाए थे, है ना, क्योंकि बन ही नहीं रहा था ना, जैसे कपड़ा भी एक उस हाथ में जाता ना तो उनको दिक्कत होता था इसी वजह से। और अभी मस्त आराम से धूप में बैठे हैं, है ना जी। और यहाँ पर तो आप कंघी कर डाला है ना जी। अवैध शिवान बाबू आ गए है। और शिवान क्या बेटा, बदमाशी कर रहा है? बदमाशी करता है शिवान, बदमाशी करता है। हाँ, और दीदी कहाँ है? दिशा दीदी, नेहा दीदी कहाँ है बेटा? ये है नीचे में, यहाँ का बस खेल रहा है शिवान अकेला। हाँ, तो सीधे अभी शाम का समय है और मैं सैलून गया, वहाँ सेविंग वगैरह कराया, उसके बाद सीधा मैं और दीसा बेटू आ गए हैं कहाँ, तो फिश लेने जा रहे हैं। तो शाम का समय है तो जल्दी चलते हैं, जहाँ पर तुम लोग को फिश लेने जाना है वो थोड़ा सा दूर है, तो जल्दी पहले चलते हैं। और शाम तो हो ही गया है, अभी वही करीबन बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, और आते आते हम लोग को अंधेला हो जाएगा, इसीलिए जल्दी जाते हैं। साथ में दीसा बिट्टू है ना। और ये रहा अपना फिश, और लगभग शाम हो ही गई है, अब चलते हैं सीधे घर। और यहाँ पर दीसा बिट्टू खा रही है, क्या खा रही है बिट्टू? जीरा पापा, चलो चलें घर। और अंधेला हो ही गया है और घर जाने में थोड़ा सा समय लगेगा, करीबन 15-20 मिनट के आसपास, नहीं तो आधा घंटा लग ही जाएगा। और ट्रक चलने लगे हैं ना, तो आराम से चलना पड़ेगा। तो सामने में एक ट्रक जा रहा है, उधर से भी ट्रक आ रहा है, और पीछे से भी आ रहे हैं ट्रक, नहीं ये एक कारवार है, बाकी ये हाईवे रोड है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी है ना, चलते रहते हैं। और यहाँ सामने में टोल गेट, लेकिन हम भाई में अपने को कोई दिक्कत नहीं, साइड से थोड़ी देर और पहुंचने वाले हैं हम घर। और अभी जस्ट घर पहुंच गया दोस्तों, हाँ आ गए जी। और आज हेयर कट कराया हूँ, देखो कैसा लग रहा है आप बताइएगा कमेंट करके। एकदम छोटू छोटू सा करा दिया, बार बार कटाना टेंशन उससे बढ़िया, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल अभी मेरे को जाना है अपने ड्यूटी पे, और ड्यूटी में जाने का समय भी हो गया है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्द एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।